हाय वचावारी, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन. सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश कोर का करिकुलम, पूरा पैटर्न, पूरा जो सिलेबस सीबीएसई ने लॉन्च किया है. ये क्लास ट्वेल्थ के लिए है और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताती चल रही थी वही आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी. बहुत सारे मेजर चेंजेस तो नहीं हैं, बट यस, कुछ चेंजेस हैं. और जो आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि 30% रिडक्शन होगा, वो डेफिनेटली इसके अंदर नहीं है. सो अभी ये आपका जो पेपर पैटर्न है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. लगे हाथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताती रहूंगी, बट यस, स्ट्रैटेजी के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, पूरा एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करके. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि सच में हुआ क्या है और क्या सच में 30% रिडक्शन और ये सारी चीजें हो भी रही है या नहीं. सो सबसे पहले तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज इसके अंदर हैं अगर हम देखें तो. लेट मी जस्ट शो यू. पार्ट ए जो है ये 40 मार्क्स का है और यही पार्ट हमारे 40 मार्क्स का पहले भी था. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला पार्ट है और ये 40 मार्क्स का शायद आपने देखा होगा कि प्रीवियसली भी रहा था. इसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देखने को मिलेगा 20 मार्क्स का. तो 20 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा. बच्चों, बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से समझना. आप बोर्ड्स में अपियर होने वाले हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप भी यू नो टीचर्स को हेल्प कर सको, टीचर्स को हेल्प कर सको खुद का. अगर आपको ये चीज़ पता होती है तो उन्हें उनके साथ कोऑपरेट करके. तो यस, ये जानना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रैटेजी आप बना सको, अपने आंसर्स को, अपने टाइम को उस अकॉर्डिंग अलॉट कर सको, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. ये अनसीन पैसेज पे आएंगे. ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये फैक्चुअल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं और लिटरली क्वेश्चंस आएंगे. इनमें आपको 11 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई तो 10 क्वेश्चन करने हैं. इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे इंटरप्रिटेशन के लिए पूछे जाएंगे, इनफेरेंस के लिए पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी के लिए एंड मीनिंग के लिए पूछे जाएंगे. तो इन क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. तो फटाफट से बिंज वॉच कर लेना मैम के सिनोनिम, एंटोनिम्स और बाकी वाली क्लासेस को. ऑल राइट, कमिंग टू दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक तो ये 10 मार्क का ही गया, एक और क्वेश्चन आएगा, ये केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. कोई तो पर्टिकुलर केस के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें दे के आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप आंसर करो. इनमें थोड़े कम आपको चांसेस मिलेंगे जो ऐसे मीनिंग वाले क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनके. आपको 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से कोई भी तो 10 क्वेश्चन आपको करने हैं. 10 मार्क का ये होगा. आपका टाइम इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है बच्चों. टाइम इसके लिए मैनेज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये 700 से 750 वर्ड्स के पैसेज होंगे. सो इनको रीड करना, और ज़रूरी है रीड करना क्योंकि एमसीक्यूज हैं और बहुत जगह पे जैसे फर्स्ट वाला तो एकदम इंटरप्रिटेशन बेस्ड ही है, तो अगर आपने रीड नहीं किया तो आप इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं पाओगे. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए ये चीज़ को फोकस करना और टाइम मैनेज करना. नहीं तो ये इतना बड़ा पैसेज पढ़ के और टाइम पे आप आंसर नहीं कर पाओगे. एंड शायद ऐसा ना हो कि इस 20 नंबर के चक्कर में आपके जो बाकी के मार्क्स हैं वो छूट जाएं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फोकस करें अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी. डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू लिसन टू मी एज ऑफ नाउ. ओके, सो लिटरेचर आएगा 20 मार्क्स का. ये एमसीक्यू बेस्ड ही चल रहा है. आपको पता है कि क्लास 12th में ग्रामर नहीं आता है, तो इसके लिए आपको वो टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है. क्लास 12th में लिटरेचर जो है ये 20 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी दो प्रोज एक्सट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे और ये एक्सट्रैक्ट या तो फ्लेमिंगो से हो सकते हैं या तो विस्तार से हो सकते हैं. तो कोई भी दो चैप्टर्स ले लिए जाएंगे या तो फ्लेमिंगो से या तो विस्तार से, और उसके एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज आंसर करने हैं. याद रखिए कि 3 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे जिनमें से 2 करने हैं. दैट मींस आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप जो भी आपका चैप्टर आपको ऐसा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर पाओ. तो 3 एक्सट्रैक्ट आएंगे जिनमें से कोई भी तो 2 आपको करके चलने हैं. अच्छा, बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि पोएट्री में से आएंगे. आपको तो पता है सिर्फ फ्लेमिंगो है जिसके अंदर आपको पोएट्री देखने को मिलेगा. तो पोएट्री दैट इज फ्लेमिंगो में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. 2 एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए जाएंगे जितने भी हमारे पोएम्स हैं उनमें से, और उनमें से कोई एक एक्सट्रैक्ट ही आपको करना होगा. अगेन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको
यस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट रीडिंग करना, उसे इंटरप्रिट करना और फिर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट रेलेवेंसी भूल जाते हैं. तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. जो पोल्स हम लोग करते रहते हैं बच्चों क्लास ट्वेल्थ के लिए, वो पोल्स आपको देखने को मिलेंगे फ्लेमिंग और विस्तास दोनों से. 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इनमें कोई एक्सट्रैक्ट आपको नहीं दिया जाएगा. ये 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये जो 10 क्वेश्चन है इनमें से कोई भी, तो 8 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने रहेंगे. सो एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स दैट्स हाउ आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. तो जो भी आप हमारे साथ पोल्स करते रहते हो, मेंटी करते रहते हो, प्लस पे पढ़ते रहते हो, स्पेशल पे पढ़ते रहते हो, यूट्यूब पे पढ़ते रहते हो, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है पोल्स में. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हाउएवर आपको मास्टर करने पड़ेंगे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्लासेस आ जाएंगी. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. ये हमारा लिटरेचर है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया जो पार्ट हमारा एमसीक्यू वाला है. इसके बाद में हमारा दूसरा पार्ट जो है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पार्ट. ये भी 40 मार्क्स का पार्ट रहेगा. मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर भी दो सेक्शन रहेंगे. एक सेक्शन है राइटिंग वाला और दूसरा सेक्शन रहेगा लिटरेचर का. बहुत सारे बच्चे राइटिंग के सेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूज्ड हो गए थे, तो इसमें यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और अब आपको समझ में आएगा मैम सब कुछ क्यों करा रही है, मैम ये सारी की सारी चीज़ें क्यों करवा रही है, मैम ये तो डिलीटेड थे ना, अरे नहीं है ना ये डिलीटेड, ये आएंगे ना इसके लिए मैम करवा रही हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क आएगा जिसके अंदर आपको नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर्स देखने को मिलेंगे. ये आपको ये तीनों टॉपिक प्रिपेयर करने हैं. दो क्वेश्चन इस पे से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको करना है. मैं आपको बता देती हूँ बच्चों की ये 50 वर्ड्स में आपको करना होगा. 3 नंबर का ये आएगा और वर्ड लिमिट मैंने आपको बता ही दी है. 3 नंबर में 1 नंबर फॉर्मेट का, 1 नंबर कंटेंट का और 1 नंबर एक्सप्रेशन का आपको यहां पे मिलने वाला है. इसके बाद में एक और शॉर्ट राइटिंग टास्क आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन या रिप्लाई में. ये भी आपको 50 वर्ड्स में करना है. दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कोई भी, तो एक क्वेश्चन आपको इसमें करना पड़ेगा. 3 मार्क्स का ये आने वाला है, एक फॉर्मेट, एक कॉन्टेंट और एक एक्सप्रेशन के लिए. चेंज क्या है मैम, ये तो पहले भी ऐसा ही था. नहीं, पहले ऐसा नहीं था. पहले वाला जो है उसके अंदर पोस्टर्स नहीं ऐड थे, वो पोस्टर्स हटा दिए गए थे 30% रिडक्शन के चलते, बट अब उन्हें ऐड कर दिया गया है. तो इसका भी आपको प्रेपरेशन करना पड़ेगा. इसके बाद में हम लोग लेटर्स पे आ जाते हैं. मैं आपको बता ही रही थी कि मैं वेट कर रही हूँ कि लेटर्स का एक बार वर्ड लिमिट हमारे लिए क्लियर हो जाए. इज इट नॉट ओके. सो लेटर्स का हमारा वर्ड लिमिट एक बार क्लियर हो जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि लेटर्स यहाँ पे 120 टू 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट कैरी करेंगे. लेटर्स जो है ये आपको किस किस टॉपिक में आएंगे आप देख लीजिए. एप्लीकेशन फॉर जॉब, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन आएगा, लेटर टू एडिटर आएगा. आपको इसमें सजेशंस देने हैं पब्लिक इंटरेस्ट वाले. 3 टाइप्स मैंने आपको कराए हैं, उनमें से पब्लिक इंटरेस्ट वाले, और वो तीनों टाइप ही पब्लिक इंटरेस्ट में आते हैं. ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर कवर होंगे. आपको बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स आपको इंक्वायरीज, कंप्लेंस, आस्किंग फॉर और गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, ये सब कुछ भी देखने को मिलेगा. तो जो 4 टाइप के लेटर्स में आपको शुरुआत से बताती जा रही थी कि आपके आने वाले हैं, वो 4 टाइप के लेटर्स आपको यहां पे मिलेंगे. 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. 4 टाइप के लेटर्स में से चारों आपको प्रिपेयर करने हैं, उनमें से कोई भी, तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है. ये आएगा आपके 5 मार्क में, जिसमें 1 नंबर मिलेगा फॉर्मेट का, 2 नंबर मिलेंगे कॉन्टेंट के और 2 नंबर मिलेंगे एक्सप्रेशन के. ऑल राइट, अब अगर हम चलें तो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल, डिबेट, स्पीच और रिपोर्ट. ये तीनों आपको देखने को मिला है. ये चारों आपको देखने को मिलेंगे और ये चारों के चारों हम सॉल्व करने वाले हैं. ये चारों में से कोई तो 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, एक का आपको आंसर करना है. तो कोई भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनमें से एक का आपको आंसर करना है. आपको 5 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा. वर्ड लिमिट देख लीजिए 120 से 150 वर्ड्स की है. बहुत पहले ये जो हुआ करता था ये 10 नंबर में आया करता था और 150 से 200 वर्ड की इसकी वर्ड लिमिट होती थी. पिछले साल इसे चेंज कर दिया गया है एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने वर्ड लिमिट अभी कम कर दी है. 120 से 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं 5 नंबर के लिए. 1 नंबर आपको मिलेगा फॉर्मेट का, 2 नंबर मिलेंगे कॉन्टेंट के और 2 ही नंबर मिलेंगे आपको एक्सप्रेशन के. जैसे ही आपने देख लिया है कि राइटिंग सेक्शन में क्या आएगा तो हम फटाफट से आ जाते हैं हमारे लिटरेचर सेक्शन पे. तो लिटरेचर सेक्शन भी जो है हमारा 24 मार्क्स का आने वाला है.
24 मार्क्स के लिटरेचर सेक्शन में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. इनमें से आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करने हैं. आपको पूछे 6 क्वेश्चंस जाएंगे, तो 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से केवल 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं. ये फ्लेमिंगो से आएगा, तो फ्लेमिंगो के प्रोस एज वेल एज पोएट्री सेक्शन में से कोई भी, तो 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनमें से 5 आप अपने चॉइस के सेलेक्ट कर सकते हो और उनको आपको आंसर करना है 30 से 40 वर्ड्स में. सो 30 से 40 वर्ड्स में आपको इनको आंसर करना रहेगा. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो हम करते रहते हैं और ये आएंगे फ्लेमिंगो से. However, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखने को मिलेगा जिसमें आपको विस्तास का प्रोस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आपके जितने भी चैप्टर उनमें से कोई भी, तो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनमें से केवल 2 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे. सो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. 30 से 40 वर्ड्स की इसकी वर्ड लिमिट रहेगी. याद रखिए कि ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं. अब हमने दोनों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए, तो एक एक क्वेश्चन इनमें से लॉन्ग आंसर टाइप का भी आएगा. जैसे कि मैं आपको हमेशा से ही बताती आई हूँ, एक क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंगो से और एक क्वेश्चन आएगा विस्तार से, 5-5 मार्क का. सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोई भी या तो प्रोस या तो पोएट्री जो फ्लेमिंगो की है, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे. आपको एक क्वेश्चन इसमें आंसर करना है. 120 से 150 वर्ड्स की आपकी वर्ड लिमिट रहने वाली है और 5 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा. बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आइडिया दिया, आप देख लीजिए कि इसमें आपको साफ साफ बता दिया गया है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट. सो आपको कोई तो स्टेटमेंट दे दी जाएगी जिस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने हैं एंड इसके साथ साथ आपको रेफरेंस लेना है चैप्टर का. तो अगर आंसर में वो मिसिंग होगा तो मार्क्स कट हो जाएंगे. यही चीज मैं आपको बताती रहती हूं जब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करते हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से. 5 नंबर में ये भी आएगा 120 से 150 वर्ड्स में, आपको इसको लिखना रहेगा. अगेन आपको बियॉन्ड टेक्स्ट जाना पड़ेगा. एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी जिसमें आपको अपनी ओपिनियन रखते हुए साथ ही साथ रेफरेंस देना पड़ेगा चैप्टर्स का, कहाँ से, विस्तार से. सो विस्तार के चैप्टर्स जो होंगे उनका आपको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा और वो सारे जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से ही आप एक्चुअली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली रख सकते हो बट उस ओपिनियन के साथ में चैप्टर का रेफरेंस नेसेसरी है, क्लियरली बोर्ड ने लिख दिया है. आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंगो और विस्तास पढ़नी है जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ. एनसीईआरटी ही करना है, नोट्स वगैरह एक्सप्लेनेशन वगैरह सब मैं अवेलेबल करवा देती हूँ. तो आप ये सारी चीज़ें जो है ये आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा प्लस पे. अगर आप चाहो तो यूट्यूब स्पेशल पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो. बट यस, अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है, पढ़ना है और अच्छा स्ट्रैटेजाइज करना है तो आप मुझे प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हो. मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो मैं लेके आने वाली हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम लोग 2021-22 के लिए स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कैसे फाइनल एग्जाम्स को नेल करना है. दैट इज कमिंग रियली सून. बट एज ऑफ नाउ आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आपको पता चला कि मैम जो भी बता रही थी वो फाइनल यहाँ है. एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बाय.